नमस्कार YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप देख सकते हो ये है माउंट आबू का रोड और हम जा रहे हैं गुरु शिखर, और ये है कृतिका और पायल और चीको। तो ये बिल्कुल मज़े ले रहे हैं गोलगप्पे, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो ये फुल मज़े ले रहे हैं, सर्दियों का टाइम है। और ये हमारे भाई हैं यहाँ के, जो बहुत फेमस हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, फुल मज़े ले रहे हैं। पायल बहुत शौकीन है, कृतिका भी। धनिया काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए, बदतमीज। तो बदतमीज है थोड़ा सा हमारा चीकू। ये उनके, आपको दिखाता हूँ, ये गुरु शिखर का रोड है माउंट आबू का। और यहाँ से जाएगा माउंट आबू से गुरु शिखर। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा ये रोड, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ की वेदर, लोकेशन और होटल। होटल ऐसे हैं यहाँ के कि आपका बाहर घूमने का दिल नहीं करेगा। हाँ जी, हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि गोलगप्पे खा लो। तो ऐसे ही हम आपको नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे माउंट आबू की। यस, और ले लो फिर आप, कोई बात नहीं। ये देखो, ये अपनी इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। दे दे, नहीं मार रही पायल, इधर ले आ, इधर 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 ले आ, इधर से इधर बुला ले इसको। ये लो, दे देना उधर ही, दे दे, कोई बात नहीं, साफ है रोड। वो भी तो आप भी गाइस जितना हो सके हेल्प करें, गायें हमारी माता है। और देखो ये बेजुबान जानवर है, ये बोल नहीं पाते, तो जितना हो सके हेल्प करो आप भी। बस भाई चलो खड़े हो जाओ, खा लेंगे, साफ है रोड, कोई ख़राब नहीं है रोड, खा लेंगे आराम से। चलो जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस मैं जा रहा हूँ टॉयलेट में, तो पीछे वाले बहुत गंदे, अच्छे तो है, मतलब मैं ले नहीं जा रहा पापा से, तो आगे जा रहा, आगे जाके मैं टॉयलेट जाऊँ। तो गाइस मैं पापा से बात करा दूंगी आपकी। So, आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है ये, और बहुत ही सुंदर रोड्स हैं यहाँ की। तो ये रास्ता गुरु शिखर की तरफ है, तो बस हम पहुँचने वाले हैं 25 मिनट्स में। मैं हर एक मोमेंट कैप्चर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ की रोड्स, माउंटेन्स, ट्रीज सब कैसे दिखते हैं। क्योंकि अगर आप हिल स्टेशन पे आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कैप्चर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो
हम जा रहे हैं गुरु शिखर और काफ़ी मज़ा आने वाला है वहाँ पे, तो हम आपसे जुड़े रहेंगे ऐसे ही और ऐसे ही मज़ेदार आपको यहाँ की वादियाँ जो भी है यहाँ की फेमस चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं सामने का रोड कैसा है और यहाँ से आते हुए हम हॉर्स राइडिंग भी करेंगे। हमने एक रस्ते में जगह देखी है हॉर्स राइडिंग की, बट हम रुके नहीं क्योंकि जो गुरु शिखर है उनकी टाइमिंग होती है तो वो शाम के 6 बजे बंद हो जाता है, आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है एंड टिल 6 PM वो ओपन रहता है। तो हॉर्स राइडिंग हम करेंगे बाद में। यहाँ की एयर भी बहुत ही अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री एयर। तो हम कर रहे हैं शॉपिंग यहाँ पे और हमारे साथ चीकू है, कृतिका आओ मैं दिखाता हूँ। मैंने ली है ब्लैक कैप एंड मैंने ग्रे तो काफ़ी मज़ेदार शॉपिंग की है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी। हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे, आप देख सकते हो पास आके देखो आप। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे शॉपिंग की आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गन है और कृतिका और चीकू यहाँ पे देख रहे हैं और हम आ गए हैं कैमरे के पास। अच्छा लग रहा है आपको ये टोपा, ये कैप इनको बहुत अच्छी लगी। हाँ तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस भी है यहाँ पे, सिर्फ 100 रुपीज़ की है ये, ये 100 रुपीज़ बहुत ही मज़ेदार। हाँ बहुत ही प्रिटी लग रही है गोलू और अब पायल भी इसको कैरी करेंगी, पायल बताएंगी कि कैसी लग रही है। चीकू काफ़ी परेशान कर रहे हैं, ये बड़ों की है गन बच्चों की नहीं है। तो ये गन है गन शॉप और चीकू तो ये चीकू गन देख रहे हैं। चीकू कैसी लग रही है? चीकू को बहुत शौक है गन का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा ऐसे ही। और फॉर दी गुरु शिखर और मैं हूँ सनरूफ पे और आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू। सो ऊपर से आपको तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अब भी दोपहर है और अब भी टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है यहाँ पे। रात को जब आए थे तो अराउंड 5:30 पहुँचे थे तो यहाँ पे 7 डिग्री था, 6-7 डिग्री। सो दोपहर को भी अभी ठंड है और यहाँ से दिखाती हूँ तो अभी 15 डिग्री है, 15-16 डिग्री है, लेट मी चेक। हाँ इतना ही है। वाह बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे और आपको मैं नीचे से अरमान भी दिखाती हूँ। अंदर बैठ के नहीं हो सकता so, अरमान नीचे है वेट लेट मी शो यू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ है और लोग इतने ऊंचाई पर इसलिए आते हैं जस्ट एक व्यू को चेक करने के लिए, एक एंजॉय करने के लिए, एक मूवमेंट को। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एंड सब हमें जानते हैं।
तो हम आ गए हैं गुरु शिखर और यहाँ पे कौन से चाय पसंद किया है दिखाते हुए, ये वाले दिखा दो, इसने क्या पसंद किया है, ये वाले चाय पसंद किया मैंने, गाय दिखा सकते हैं आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो गाय मुझे ये वाले चाय चाहिए पापा से, हाँ तो यहाँ पे स्पेक्स ले रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, क्या ही करियो, हाँ तो आते हुए लेंगे हम गन, पक्का लेंगे, डन डन, चलो आगे दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ, चलो सीधा चलो, सीधा चलो, आ जाओ आओ, तो कुछ खाना पड़ेगा हमें क्योंकि हम सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, तो आ जाइए आप हमारे साथ, हम आपको गुरु शिखर दिखाते हैं, और ये यहाँ की मार्केट है, काफ़ी मज़ेदार मार्केट है ये, हाँ तो मुझे लेना है चीकू के लिए एक मनी बैंक, और काफ़ी मज़ेदार मनी बैंक है यहाँ पे, चीकू आप चुप रहोगे थोड़ी देर, तो मनी बैंक बताओ कौन सा लें गोलू, बहुत ही सुंदर है, अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है बहुत ही, हाँ और ये हैवी भी है, तो मुझे मनी बैंक ही अच्छा लगा, बड़ा भी है और इसको भर देंगे जल्दी, चीकू का पर ये मनी बैंक, और इसमें जो भी हम सेविंग करेंगे, जिनके पास पहनने खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम उनको देंगे ये, ये कितने का है, हाँ जी 450, और ये 750 का, ठीक है, और ये 450, और भी आपके पास, बिग साइज में भी है अपने पास 750 में, हाँ और दिखा दो कुछ आप, तो यहाँ पे आप सीनरी भी देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार सीनरी बना रखी है यहाँ पे, सारा जितना भी ये हैंड से बनाया हुआ है, और ये पुराना आपको संगीत भी दिख रहा होगा, और वॉच है यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार, और वहाँ पे गोलू है उनके पास, आपको दिखाते हैं, उनको बहुत पसंद है, वॉच भी है, चीकू कहाँ है, चीकू कम कम, तो काफ़ी मज़ेदार है ये, क्या पिकॉक वाली वॉच जो हैंगिंग है, हाँ 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 बहुत मज़ेदार है, बहुत सुंदर लग रहा है इधर, आई कितने प्यार लग रहा है, एक्चुअली अभी हम कैरी नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें, इसका पेज से बहुत सुंदर लग रहा है, हाँ तो क्या क्या प्राइस है, ये अच्छा ना, ओके ये आप पैक कर दो, और वो रोटी वाला बॉक्स, ये देखो आप कितना मज़ेदार है, आप दिखाएं, ये मनी बैंक है, बहुत ही मज़ेदार, दिखाना, ये बहुत ही मज़ेदार है, नीचे से लॉक हो जाता है, ऊपर से मनी इसमें हम जितना भर सकते हैं, और मज़ेदार है काफ़ी, आप देख सकते हैं, एकदम रोटी गर्म रहेगा, पूरा पॉसिबल रहेगा, इसका वो देना दिखाना, तो नीचे से बंद होता है ये, बड़ा साइज में चाहिए तो अपना 1500 वाला भी है, 1200 वाला भी है, बड़ा नहीं चाहिए था, ये लोग को ज्यादा है, पूरा मजेदार है काफी, तो ऐसे ही नई नई चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ये देखो आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टॉप है जो पुराने जमाने में बड़ी होती थी, और बहुत ही शानदार कारीगरी दिखा रखी है इसके ऊपर, और ये देखें बहुत मज़ेदार है, हाँ जी हाँ जी हाँ ले लेना, तो एक एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और सामने भी देख सकते हैं आप, वो सामने जो आपको दिख रहा है ये पीकॉक वाली वॉच है जो हम वॉल पे लगा सकते हैं,
तो अब मैं ऐसे ही तो ये है गुरु शिखर की सीढ़ियाँ और काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे गुप्ती गन लाइटर सिगार पंच और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आ जाइए सर आप आगे, हमारे जितने भी बच्चे आगे पहुँच गए हैं। तो ये है गुरु शिखर की सीढ़ियाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गोलू आपको कुछ खाना है? तो ये तो काफी मजेदार है, हाँ ये ले सकते हो आप। तो ये गुरु शिखर है यहाँ पे माउंट आबू से नियर अबाउट 20 किलोमीटर ऊपर। तो काफ़ी मज़ेदार जगह है यहाँ पे। चीकू क्या कर रहे हो, ले लो। तो काफ़ी मज़ेदार है ये, आप देख सकते हो। आपको खिलौनों की दुकान दिखाता हूँ मैं अभी। यहाँ पे गन है, ग्रिपिंग भी आएगा फ्रिज में नीचे, ये ग्रिपिंग नहीं आता जैसे स्लिप वगैरह होने का या गीला होने का डर रहता है। तो यहाँ पे ठंड है ज़्यादा, इसलिए गोलू और पायल अपने लिए पाँव की मोजे ले रहे हैं। 20 और दीजिए, ये मेरा फ्रिज रेडी। चीकू फुल बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पे। हाँ जी आगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अब काफी टाइम से हम घूम रहे थे तो हमें भूख लगी है। तो गाइस मैंने गन ले ली आली। तो गाइस दिखा सकते हैं आपको कौन सी गन है, दिखा सकते हैं गाइस। तो ले के दिखाते हैं, ऐसे नहीं दिखा सकते। देखो कैसी लगी चुकू आपको? अच्छी वाली है। तो गाइस किससे लिए बताते हो, वागे अंकल से लिए मैंने। तो गाइस बाद में बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं। चाय की चाहिए चुकू? ठीक हो? ठीक है जाएगी, ठीक है जाएगी। बताओ आप कैसा लगा आपको घूम के? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के और हमने यहाँ से कुछ एंटीक्स चीज़ें भी ली हैं घर के लिए। तो अभी हम पोहा खा रहे हैं और हमारे कैमरे के पीछे हमारे भाई हैं कुलदीप, मैं आपको दिखा देता हूँ और आप कृतिका से भी आप बात कर सकते हैं। मैम कैसा लग रहा है? बहुत ही डिफरेंट पोहा है और बहुत ही टेस्टी है। और सबसे अच्छी जो चीज़ लगी मुझे यहाँ पे वो लगा वेदर। वेदर दिखा देता हूँ मैं आपको, सामने देखिए आप जाके, आपको यहाँ का वेदर दिख जाएगा। बहुत ही मज़ेदार है, ज़िंदगी एक बार मिलती है तो जीवन में अपने लिए टाइम निकालो, अच्छा बुरा टाइम आता रहता है तो ये चीज़ें मिस मत करो। मतलब उसमें बॉल्स डालते बबल डालते। और गाइस तो आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं मेरी गन। तो मैं आपको दिखा दूं, ले सकते हैं आप गाइस मेरी गन। आपको फोन ना मैं इसको पहले। हेलो और से भी ठीक हो? ये हमारे कैमरामैन भी हैं और हमारे भाई हैं। मटन भी खा लो मामा, दो ना हो जाएगी हम सबको। बहुत अच्छी चाय बना रखी है, चाय अच्छी है पी के देखो। मैगी नहीं आई। ये है पोहा आप देख सकते हो। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। माउंट आबू का बहुत ही मजेदार दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे यहाँ कृतिका बैठी है, हेलो कृतिका मैडम। और साथ में पायल मैडम भी है। पायल बहुत गोरी लग रही है आज, काफी दिन बाद नहाई है। तो यहाँ पे मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक मज़ेदार लड़के की शायरी। बेटा शायरी सुनाओगे आप? हाँ सुना दो। सुनो, अगर चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा, आबू में बगल में बीबी नहीं है तो जीने का क्या मजा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चप्पल है छोटी तो पैरों में नहीं आती, अंकल की बीबी मोटी तो बगल में नहीं आती। हाँ तो अब मैं भी सुनाऊंगा ना बच्चे। ये हाथ में लो, अब सुनाओ।
फूल तोड़ता हूँ डाली से, प्यार करता हूँ साली से, लेकिन डर लगता है घरवाली से। माचिस मांगी तो खोका दे दिया, दिल मांगा तो धोखा दे दिया। तो ये लड़का है यहाँ पे, बहुत मजेदार शायरी सुनाता है ये, और आप इसकी शायरी सुन सकते हो। बेटा वहाँ जाके सुनाओ, कौन है? पत्थर नहीं हिलते वैला देती है, लड़के नहीं बिगड़ते तो लड़के बिगाड़ देती है। बहुत बढ़िया, और सुनाओ। किसी पड़ी गुलाब की पत्थर से फोड़ दे, जींस वाली मिल जाए तो साड़ी वाली छोड़ दे। बताओ भाई, गंदे गंदे शेर, उधर चलो। फूल तोड़ता हूँ डाली से, प्यार करता हूँ साली से, लेकिन डर लगता है घरवाली से। छोटे से डिब्बे में चावल खा जाना, बुड्ढी ने बुड्ढे को आंख मारी तो बुड्ढा हो गया दीवाना। तो ये है माउंट आबू, बताओ बेटा क्या है? बोलो, बोल के बताओ। जंगल है। तो माउंट आबू का बहुत ही हिल स्टेशन यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ऊपर हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने जन्नत है ये। यहाँ ज़रूर आएँ आप, एक बारी ज़रूर आएँ। लवर्स पॉइंट है ये। और ये छोटे, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 साल। 13 साल? हाँ। तो कितने टाइम से यहाँ मेहनत कर रहे हो? ऐसे 5 साल से। और पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई करते हैं। करते हैं पढ़ाई भी? 8th में पढ़ता हूँ। वेरी गुड, लड़का पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में अपने टैलेंट से 2 पैसे कमा के अपने घर वालों की सहायता कर रहा है। पापा क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती, ओके। तो हमारा चीकू भी है साथ में। चीकू आप इधर आओ और सुनाओगे बेटा शेर। माचिस मांगी तो खोका दे दिया, दिल मांगा तो धोखा दे दिया। ये तो सुनाया था अभी। पत्थर नहीं हिलते वैला देती है, लड़के नहीं बिगड़ते तो लड़के बिगाड़ देती है। चक्कू से क्या मारती है, तलवार से मार दे, एक बार मर जाओ लेकिन आग तो मार दे। पंद्रह कम पंद्रह, 15 × 30, आजा मेरी भाव में तुझे गल्लू कीस। टेकरी पे टेबरी पे खन्ना, मुझे कहते राजेश खन्ना। राजा गया रानी के साथ, पैसा गया पानी के साथ, आप चलो विक्रम सिंह भाई के साथ। बस बस खत्म। ये इतना टैलेंट था तेरे अंदर, दिखा। बहुत टैलेंट था, मजाक कर रहा हूँ, मज़ेदार। बहुत उम्र छोटी है पर लोगों के सामने बोलने का टैलेंट बहुत होता है। तो चीकू बताया, चीकू आपको यहाँ घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? हाँ। ये हाथ में लो और फिर बात करो। हेलो गाइस, तो दिखा सकते? गन नहीं चलाते आप, बताओ कैसा लगा आपको? आपको अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना भी देखो, और क्या करना, शेयर करना भी देखो। तो अब पायल के पास जा रहे हैं हम, पायल बताएगी यहाँ के बारे में, पायल दिखाएगी पूरा। तो पायल जी आप जाएं और पूरा दिखाएं। जी बिल्कुल जरूर। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कितने हसीन वादियाँ हैं और कितना हसीन मौसम है। तो यहाँ जरूर आएं आप अपने कपल के साथ, और यहाँ का पूरा, यहाँ के दृश्य, यहाँ के नज़ारे, यहाँ की ग्रीनरी। ये क्यों ले रखा है इतना दूर ले जाना? यहाँ के पहाड़, इन सब का लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखिए कितनी गहरी गहरी वादियाँ हैं, इतने अच्छे 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 माउंट हैं। देखिए तो अब यहाँ के नज़ारे आप खुद ही देख सकते हैं, दूर से दूर तक आपको पहाड़ी पहाड़, हरियाली ही हरियाली दिखेगी और ऊपर नीला आसमान। तो अब आगे का कीर्ति का मैम बताएंगे आपको। सो अब हम वापस आ रहे हैं और अब हम शायद अपने रिजॉर्ट जाएंगे। सो ये है गुरु शिखर और ये माउंट आबू की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर है ये। सो एक सेकेंड आप इधर आओ, मैं दिखाती हूँ यहाँ से पूरा। सो देख सकते हो, दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट आबू एंड ये 3000 किलोमीटर ऊपर है। तो अब आगे होंगे अरमान मलिक जी आपके सामने, तो मैं आपको दिखाऊंगा मजेदार चीजें। मेरे साथ आइए आप। तो ये माउंट आबू का सबसे ऊपर हिल बताया जा रहा है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं है इससे ऊपर
गुरु शिखर है, इससे ऊपर आप गुरु शिखर देख सकते हो रहा सामने। यहाँ की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ही मज़ेदार है। तो ये हमारे भाई हैं कुछ जो हमें जानते हैं, तो ये हमारे भाई हैं, तो इन्होंने पहचान लिया हमें। तो अब ये यहाँ घूमने कहाँ से हो आप? हम नीमच से सर, एमपी से। एमपी से? तो एमपी से यहाँ यहाँ नहीं आ रहते हो? नहीं नहीं, घूमना है यहाँ स्पेशल। हाँ मोहित अरे तो इधर फोटो लो। और सुनाइए, तो ये हमारे भाई हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, पूरा ग्रुप है, ये सारे घूमने आए हैं। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, अपना एक फोटो ले लो। हाँ तो ये YouTube पे वीडियो मिलेगी आपको, हाँ मेरे चैनल पे आज डाल देंगे हम शाम को। तो सब है अरमान मलिक के नाम से, फैमिली फिटनेस से। तो मेरा चैनल है फैमिली फिटनेस, और ये भाई हैं, और ये MP से आए हैं घूमने के लिए। और कैसा लगा आपको यहाँ पे घूम के? मज़ा आ गया। हाँ तो मतलब राजस्थान में भी ऐसी जगह है तो यकीन नहीं कर सकते। बाकी आपको बताएंगे इनका मतलब क्या एक्सपीरियंस है। सर हमको तो यहाँ घूमने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, अभी तो हम घूम ही नहीं पाए सर, आधा अभी तो आधा चीज़ और हमारा बाकी चल रहा है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठंड तो काफ़ी है। हाँ तो यहाँ कपल आए हो या आप? नहीं सिंगल सर, सब फ्रेंड लोग हैं। फ्रेंड्स लोग, तो ये सारे बैचलर हैं और फुल मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। तो आप भी ज़िंदगी के मज़े लो, लड़ाई झगड़े में परेशानियों में कुछ नहीं रखा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। रुक जाओ आराम से। मंदिर चलो जीवन कैमरा। हाँ बैठ, तू भी बैठ। रुजा चलो इधर चलो। इधर इधर बोलो, इधर बच्चों है। अच्छा Thank you.
ऐसे दिख रहा सिर्फ। देख जूम देख, देखिए बड़ी लगे। चिकू चलो ऊपर। तो चीकू बोल्ड बच्चा है, एकदम मर्द की तरह देखो ऊपर जा रहा है राइड करने, बहुत ऊपर है। और चीकू बिल्कुल अकेले जा रहा है, और ये माइक मैं चीकू को लगाऊंगा, उसके रिएक्शन हम सुनेंगे। आइए चीकू इधर आओ। चीकू आपको जैसा भी लगे मजे आए बताना, ठीक है? ठीक है अंकल, गिरा मत देना माइक को। ये माइक नहीं गिरेगा, जाओ बताते रहना है। ठीक है अंकल, मैं गिरूंगा तो नहीं। अंकल गिरूंगा तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, इधर पक्का अंकल, आगे जाके हाथ ऐसे करना। नहीं अंकल, नहीं 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 अंकल, नहीं। रेडी? इसके ऊपर खड़े रहो बेटा। हाँ अच्छा, ये इसको पकड़ो आप, अब इसको पकड़ो दोनों हाथ से आप, इसको भी पकड़ना, छोड़ना मत बेटा, छोड़ना मत। अच्छा है, छोड़ना मत, आप खड़े रहो सीधे। हाँ ऐसे रहना, नहीं एक मिनट देर लग रहा है। हाँ उतरो नीचे, आराम से हो बेटा। अच्छा है, नहीं अब मुझे दूसरा खाना है, अब मुझे दूसरा, अब मुझे वो खाना है टेम्परिंग। अब मुझे गन साथ करनी है। अब गन साथ करनी है, हॉर्स करना है? नहीं गन साथ, अब मुझे गन करना है। हाँ करवा देंगे। इतने छोटे बच्चे चढ़ते नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे पहला करना है। अब मुझे गन सेटिंग करनी है। अब मुझे गन करनी है। रुको, हो गया? अब मुझे गन रनिंग करनी है। अब मैं गन रुको। अब मुझे अंकल गन का आ जाना। कौन सी गन से है? अच्छा मुझे गन सीखी। अब गन अंकल, अब मैं गन चलाऊं। हाँ जा रही हूँ मैं, माइक की पाउच देखिए भैया को, आप पकड़ लो इन दो। हाँ चलो, और फोन पायल कहाँ? कालू भैया, भैया मेरा वेट उठा लेगा, मेरा वेट, भैया मेरा वेट उठा लेगा ना। ओके देख लो, ये भी जा रहे भाई साहब, आप तो बड़े बड़े जाते हैं। लेके आ जाओ टोकन, लेके आ जाओ। हां ले लेंगे यार। हां कोई बात नहीं, कोई बात करवाना है पहले, एक तो हुई दोनों पे डालने का। मैं अकेले जाऊंगी। मैं बहुत टाइम बाद राइड करने जा रही हूँ, मतलब मेरे ख्याल से जब मैं 10 साल की थी तब मैंने राइड की थी, और अब मैं 26 की हूँ। मैं अब राइड कर रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स करा है मानने, तो मैं जा रही हूँ, खुद से नहीं जाती।
यही मैं इनके लिए जा रही हूँ, उन्होंने फोर्स करा मुझे। अभी मुझे डर तो लग रहा है, बट चीकू ने कर लिया तो मैं बस इनके बाद मेरा टर्न है, तो एक बार मैं उनको देख रही हूँ तो थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि मुझसे मोटे हैं वो नहीं गिरेंगे। तो जैकेट तो बाहर रखिए, एक सेकंड रुको। जैकेट को बाहर ले लिया था? नहीं, मैं बंद कर रही हूँ ना। बंद कर ले रहे मैं उनको देख रही हूँ कि वो आप भी आओगे सिंगल, आप भी करोगे? मैं इनके लिए खा रही हूँ, मेरा बिल्कुल हाँ कह तो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद झूला खा रही हूँ, बट मैं इनके लिए कर रही हूँ। कालू भैया ऊपर से देख रहे हैं। भैया पैसे पैर कैसे करूँ? यार एल एल के जैसे कर लेना, ठीक है? कैसे? एल एल ऐसे आगे जाके दोनों हाथ छोड़ देने, ऐसे ऐसे पकड़ो, रुको ठीक है, रुको ऐसे ना, हाँ ये आगे जाके हाथ छोड़ देना, ऐसे खुले रख देना, जो बहुत डर लग रहा है, ठीक है? हाथ छोड़ दो, हाथ मजा आया बहुत और डर लगा थोड़ा सा। मजा आया। ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ, हाँ थोड़ा सा। मेरे को जब उन्होंने धक्का मारा तो डर लगा, बट उसके बाद मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू। जीत है, हाँ बहुत मजा आया। मेरे को पहली बार तो डर लगा जब उन्होंने धक्का मारा, मैं ऐसे सो रही थी, बट मजा आया। भैया मैंने 10th और 11th क्लास में थी तब झूला खाया था। भैया कालू भैया आप भी करो, मजा आएगा। मैं कह तो रही हूँ जब ना उन्होंने नीचे गिरा ना ऐसे धक्का मारने के लिए, तो बहुत डर लगा, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक और वहां से लेके वहां तक, बहुत मजा आया। वापस जाना, थैंक यू।